हेलो बच्चों, आज हम सीके सर के साथ एक शॉर्ट्स वीडियो लेकर आए हैं, यानी कि छोटी वीडियो लेकर आए हैं। आपका क्वेश्चन जो मेरे माध्यम से सीके सर से पूछा जाएगा, क्वेश्चन है जो कि पेरासाइट के बारे में। पेरासाइट के बारे में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लिख रखा है कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, ये एक पेरासाइट नहीं है। जबकि हम कुछ स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह देखते हैं, उनके अंदर इसको ट्रू पेरासाइट बता रखा है। तो सर ये माजरा क्या है? तो सर पहले तो मैं बता दूं कि अब अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको फॉलो किसको करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। अब एनसीईआरटी को जब फॉलो कर रहे हैं तो हमारी एक्सप्लेनेशन भी उसकी के अकॉर्डिंग रहेगी। तो मैं बिल्कुल इसको, सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा है जो बच्चों का, कि जो क्वेश्चन है कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है, वो पेरासाइट है या नहीं है, तो बिल्कुल सर, पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा कि पेरासाइट एक्चुअल में होता क्या है। तो ट्रू पेरासाइट की डेफिनेशन होती है कि ट्रू पेरासाइट उसको बोलेंगे जो अपने होस्ट को, मतलब जिस पर वो रहता है या जिसका यूज वो कर रहा है, तो वो अपने होस्ट को एक तो फूड के लिए यूज करेगा, साथ में हैबिटेट मतलब आवास के लिए यूज करेगा। तो अगर इन दोनों चीजों के लिए वो अपने होस्ट को यूज कर रहा है तब वो क्या है, ट्रू पेरासाइट है। ठीक है, ये तो हमारी डेफिनेशन है। अब अगर हम फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बारे में बात करें तो वो हमारे ऊपर सिर्फ कब आकर के बैठता है, फूड के लिए जब उसे ब्लड सक करना जब होता उसको ब्लड सक करना होता है या फिर हमको काटना होता है तब ये आकर के है। बैठता है। बिल्कुल सर, मतलब वो हमको किसके लिए यूज कर रहा है, सिर्फ फूड के लिए यूज कर रहा हैबिटेट के लिए यूज नहीं कर रहा है। मतलब वो हमारी बॉडी के ऊपर ऑलरेडी हमेशा प्रेजेंट थोड़ी रहता है, तो वो सिर्फ फूड के लिए यूज कर रहा है, इसलिए हम उसको ट्रू पैरासाइट नहीं मान सकते। बच्चों को आप थोड़ा सा आवाज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, आवाज आवाज किसे कहा जाता है? आवाज का मतलब जैसे कि हम अपनी लाइफ का जो मैक्सिमम पार्ट जहां पर स्पेंड करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, आवाज बोला जाता है। तो जो वो मच्छर है वो हमारे ऊपर सिर्फ दो तीन सेकंड के लिए आकर के बैठता है, उसके अलावा वो हमेशा कहां पर बाहर घूमता रहता है वातावरण में, बिल्कुल तो सर। उसका आवाज हमारी बॉडी थोड़ी, जो बाहरी जो वातावरण है वो है उसका आवाज। तो सर जैसे ये वीडियो हमारे बच्चों के पास पहुंचेगी तो जी हमारे बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं तो काफी इंटेलिजेंट होंगे, तो उनके जहन में, उनके माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर उठा होगा कि जो फिटस होती है, जो मतलब फिटस जो होता है, भ्रूण होता है। भ्रूण होता है, उस केस में सर ये दोनों चीजें अप्लाई हो रही है कि भ्रूण अपनी माँ से क्या न्यूट्रिशन भी ले रहा है और अपने माँ के गर्भाशय में, बॉम में रहता भी है 9 महीने तक, जी तो सर उसको पेरासाइट बोल सकते हैं क्या? हाँ, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे अभी मैंने जो डेफिनेशन बताई ना कि जो पैरासाइट है वो अपने होस्ट को फूड के लिए यूज करेगा और हैबिटेट के लिए यूज करेगा, तो हमारे जो भ्रूण है मतलब जो माता के गर्भ में पल रहा जो बच्चा है उसके लिए दोनों चीजें लागू होती है। लेकिन मैं थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट को आगे इलेबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो पैरासाइट है उसके लिए एक और कंडीशन है कि वो अपने होस्ट को इस तरह से यूज करता है कि होस्ट यूज या सर, तो यूज यूज करेगा, यूज करेगा तो इस तरह से यूज करता है कि जो होस्ट या तो वो क्या हो जाए, कमजोर हो जाए, या उसकी आखिरी में आकर क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। लेकिन जब माता और जो बच्चे के बीच का जो कनेक्शन हम देखते हैं ना, तो उसमें ऐसा थोड़ी होता है कि बच्चे की वजह से माता कमजोर हो जाती है या फिर नहीं माता की सर, डेथ हो जाती है, इसलिए फिटस पर यह कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। तो फिटस जो है वो एक ट्रू पैरासाइट नहीं है, और जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो भी ट्रू पैरासाइट नहीं है। और सर जैसे आपने आवाज की डेफिनेशन बताई, उस डेफिनेशन में बताया कि मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम जबकि हम देखते हैं कि इन केस मेल, मतलब इन केस ह्यूमन, ह्यूमन जी के केस में देखते हैं कि लगभग 9 महीने के अंदर ही वो डिलीवरी हो जाती जी है, तो उस डेफिनेशन से सर हम देख सकते हैं इसको। तो जी बिल्कुल आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये वीडियो सीके सर और मेरे द्वारा तैयार किए, जो कि आपके डाउट को क्लियर करने के लिए काफी यूजफुल रहेगी। ओके। धन्यवाद।